Assalamualaikum. मेरा नाम ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हानमना प्रेजेंटेड बाय कोकोला, ऑल पर्स पावर्ड बाय फैसल बैंक इस्लामी एंड डॉलेंस। पहले बात करने से पहले हर बार की तरह अपने खूबसूरत पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद एक ऐसे बॉलर जिन्होंने बड़े बड़े बैट्समैन कर दिए तबाह, दिल से निकलती है वाह यासर शाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब भी हमेशा की तरह लड़कों में मकबूल हैं यासिर भाई, इनके साथ खड़ी हैं दोस्त मेरी अजीज, करती है मुझे टीज मरियम नफीस। एक लड़की भी है। इन दोनों के साथ मौजूद हैं मेरे अजीज दोस्त, पाकिस्तान में शायद गाड़ियों के सबसे बड़े एक्सपर्ट। अगर आपकी गाड़ी में है कोई रंज तो आप बुलाएंगे सुनील बंज। मैकेनिक है, मैकेनिक है। रियो द स्टार दोनों चीजें खूबसूरत भी है, बड़े बाल भी है, एक कॉम्बिनेशन। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। सुनील भाई कैसे हैं? वेलकम टू हारना मनाए। आज क्रिकेट क्योंकि मैच नहीं हुए पीएसएल के, तो हम इन जनरल क्योंकि यासिर भाई को बुला रखा है, शो भी क्रिकेट का बना रखा है, तो दो चार रिवायती क्रिकेट के सवाल पूछूंगा फिर औकात पे आ जाएंगे, ठीक है? तो यासिर भाई ऐसा है कि आज अफगानिस्तान के अगेंस्ट टीम सेलेक्ट हुई और काफी नए लड़के सीनियर्स को आराम दिया गया। पहले तो ये बताइए, सीनियर्स को आराम देने की जरूरत थी या नहीं थी, या ये भी जरूरी होता है बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए? ये कि जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अभी पीएसएल के लिए सारे मैच खेले हैं सीनियर, जो बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन ने सारे मैच खेले हैं, तो रेस्ट देना बनता है क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपके जो नए लड़के परफॉर्म कर रहे हैं पीएसएल में उसको चांस देना चाहिए। ठीक है, हम एक एक करके जो नई इंक्लूजन इनको डिस्कस करते हैं। आजम खान ने बेहतरीन खेला और उन्होंने 280 रन बनाए, बता लो बता लो मेरे ख्याल से। स्क्वाड लगाओ स्क्रीन पे ताकि बात हो। शादाब को कैप्टन बनाया गया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को अच्छी तरह लीड कर रहे हैं, ऐसा लगता है सही कैप्टन बनाएंगे? हाँ सही बनाया, अगर शाहीन रेस्ट कर रहे हैं और बाबर आजम रेस्ट कर रहे हैं, रिजवान रेस्ट कर रहे हैं, तो शादाब का बनता है क्योंकि इसने पिछले साल भी बनता तो इनका भी रेस्ट पीएसएल में अच्छी कप्तानी भी की और परफॉर्म भी किया। शादी में थोड़ा रेस्ट, रुकेरी शादी में रेस्ट का क्या ताल्लुक? शादी में रेस्ट का क्या ताल्लुक, क्या आप इससे एग्री करते हैं? रेस्ट इन पीस हो जाते। अच्छा मैं बात करना चाहूंगा, करने का शौक भी सबसे ज्यादा आप ही लोगों को होता है। किस चीज का? शादी का। शादी का शौक होता है तो भाई तो हवा से थोड़ी करते हैं, आप ही लोगों से करते हैं यार, इसमें क्या मतलब है, अकेला थोड़ी होता है, रोते भी रहते हैं। आप लोगों को भी होता है, आप अबे भाई आप बताओ, कह रही हमें शौक होता है, हमारी क्या होती है? हमें शौक होता है लेकिन हम बाद में डिनाई नहीं करते, हम ये नहीं कहते हाय लुट गए मर गए शादी होगी। आप लोगों को शादी करने का शौक भी होता है? दो मर गए, मैंने कई औरतें देखी जो कहते हाय लुट गई बर्बाद हो गई। अच्छा अरे पूरा पूरा ड्रामा इंडस्ट्री इसी चीज से भरा हुआ है यार, लुट गई बर्बाद हो गई शादी के बाद में, ये नहीं होता इसमें। और बाहर शौक हमें होता है। अच्छा बात क्रिकेट में बात करने दो यार, आजम खान कब से एवरेज बताना चाह रहा हूँ, 280 रन बनाए उन्होंने 46.66 की एवरेज से, स्ट्राइक रेट 162 का, 17 छक्के भी पेल दिए। आपको लगता है उन्होंने अच्छा अफगानिस्तान में सिलेक्शन डिजर्विंग, वेल डिजर्व्ड? ये कि नए प्लेयर्स और उसने पीएसएल में परफॉर्म किया तो हक उसका हक बनता है कि वो खेले और यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो उसने अगर आप देखे पीएसएल में काफी मैच जितवाए अभी इस्लामाबाद, और आपने देखा भी होगा जब इस्लामाबाद के साथ वो नहीं था मिडिल ऑर्डर में तो काफी कमी महसूस हो रही थी। ठीक, अच्छा सुनील भाई पीएसएल देख रहे हैं? कल देखा था एक मैच, कल एक मैच देखा आपने, क्या और हार गई? अच्छा ये बताइए आप क्योंकि आप नहीं देखिएगा बात सुनील भाई, गाड़ियां जब आप क्योंकि गाड़ियों से आपका ताल्लुक है, ट्रैफिक पे आपकी गहरी नजर रहती है, आप जहां आपका ऑफिस है घर है वहां ट्रैफिक के मसले भी रहते हैं इस मजे से मैच से, आपको लगता है बावजूद इसके कि सारी मुश्किलात हैं पीएसएल लोकली होते रहना चाहिए, या आप कहते हैं जब तक हालात बिल्कुल ही ठीक ना हो जाए तब तक ना होना चाहिए? मेरे ख्याल से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है जो इस लिहाज से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाती है, और उसके अलावा अगर अभी आप बात करें टीम सिलेक्शन, ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन क्रिकेट, लेकिन अगर आप देखें तो एक ये ऐसी चीज़ है जिसके आवाज आपको ग्राउंड ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपको अच्छे क्रिकेटर्स मिलते हैं, वरना इतनी ज़्यादा टीमें इतने लोगों को आगे टैलेंट आने का मौका नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो बाहर इमेज दिया जाता है कि हम तो शायद तोरा बोरा में रह रहे हैं और बहुत बुरे हालात हैं, बिल्कुल दूसरी टीमें जब आई 1996 में मेरा ख्याल एक दफ़ा हुआ था वाकई श्रीलंकन टीम के साथ 2009 में, उसके बाद से हमारे यहाँ लोकल क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होना चाहिए, थोड़ी सी तकलीफ अगर हम बर्दाश्त कर लें तो
I don't think it's. हाँ जब इतना खर्चा आवाम को हो ही गया दो चिप्स और खा लेंगे इसमें क्या? देखिए बाकी लोगों के लिए भी तो सड़कें बंद होती हैं तो क्रिकेटर्स के लिए भी हो जाएगा. ठीक है. Watch. Well put. बात तो सही की है. अच्छा एहसानुल्लाह ने भी बेहतरीन बॉलिंग कराई उनको भी अफगानिस्तान ले गए मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन. एक और बंदा जो सिलेक्ट हुआ वो है इमाद वसीम. इमाद वसीम ने बहुत थ्रू आउट द टूर्नामेंट ना सिर्फ बैटिंग अच्छी की बॉलिंग अच्छी की कप्तानी में 19-20 मतलब क्रिटिसाइज करना बनता नहीं बनता क्योंकि सारे मैचेस बड़े क्लोज तक लेकर गए. क्लोज देख इमाद वसीम की सिलेक्शन में सिर्फ परफॉर्मेंस का हाथ नहीं है उनकी सिलेक्शन में बहुत चीज़ों का हाथ है बहुत लोगों का हाथ है. किन किन लोगों का हाथ है आइए देखते हैं. अगला वर्ल्ड इमाद की दुआ कि अल्लाह मियां अल्लाह करे इमाद अगला वर्ल्ड कप खेले इंशाल्लाह. इमाद वसीम दिन दुआ इमाद वसीम जो हसीन भी है और उस टीम को वर्ल्ड कप खेला फाइनल में पहुंचा. आमीन सुमे आमीन. इमाद वसीम अगले साल ही वर्ल्ड कप खेल लें. आमीन सुमे आमीन. अल्लाह मियां अगला वर्ल्ड कप हो पहली बात तो ये हो. दूसरी बात ये कि उसमें इमाद वसीम भी हो और तीसरी बात ये पाकिस्तान की टीम में हो क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की वीजा भी लगवाने के चक्कर में. तो आपने मैडी का आधा क्रेडिट खुद ले लिया. आधा नहीं पूरा लिया मैंने पूरा. ठीक है जिस तरह आप भी तो ले रही है शो का पूरा क्रेडिट हम कुछ कह रहे हैं तो ये तो फैक्ट है ना. अच्छा सुनील भाई आप जानते हैं मरियम नफीस को? हाँ जी इनकी वजह से मैं रोज रात को 11 बजे अहमद अली भट्ट का शो देखता हूँ. आपने टिप्स मुझसे लेनी है इसको थोड़ा नेचुरली कर लेते ना डिलीवर तो नहीं लगता कि आपको ताबिश ने बोला ये बोलने के लिए. नहीं 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 देखो बात सुनो सच्ची बात ये ऑडियंस अगर आप मेरी तरफ कैमरा कर ले थोड़ी देर के लिए मैं अग्री करता हूँ कि मरियम नफीस की वजह से रेटिंग आती है दूसरे शोज की. मैंने भी यही कहा जब भी मरियम आती है लोग दूसरा शो लगा ये रिमोट बनाने वाली कंपनी की ब्रांड एंबेसडर बन सकती है रिमोट. नहीं भाई बस अब इससे आगे मरियम नाराज हो जाए इसके आगे नाराज हो जाए ये तो आपने पहले नहीं बताया. अच्छा सुनील भाई दो एक सवाल आपके पास और मेरे पास और हैं आपके लिए मगर मैं पहले ऑडियंस के पास जाऊंगा. ऑडियंस सवाल आपकी तरफ लाऊंगा आप तीनों की तरफ. हाँ भाई सबसे पहले सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम बैठे रहो बेटा. मैं सबसे पहले सवाल सुनील भाई से सलाम का जवाब तो दोगे ना. वालेकुम सलाम. मेरी तरफ देखो ना थोड़ी देर वहीं देख जाओ. वालेकुम सलाम मेरा पहला सवाल. अरे नाम पूछूंगा मैं तुम्हारा. मेरा नाम जल्दी में जल्दी में बेटा. मेरा नाम दाऊद है. दाऊद क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ. पढ़ लो क्या पढ़ लो? आईकॉम. आईकॉम हाँ जी. मेरा सवाल सुनील भाई से है कि आपने इतनी ज़्यादा माशाल्लाह गाड़ियाँ ले ली हैं आप धोते भी इनको खुद ही हैं तो आप एक आधा मुलाजिम क्यों नहीं रख लेते? यार इट्स अबाउट पैशन. ये नहीं कि मुलाजिम नहीं है बल्कि मेरा लास्ट टाइम भी रहा था कि वो मुलाजिम बल्कि पूछते हैं कि आप यहाँ पे मुलाजिम है गाड़ियाँ धोने के लिए. तो कोई भी चीज़ अगर आपको मेरा ख्याल है उसका शौक है तो आपको खुद करनी चाहिए. इस तरह तो कोई अच्छा क्रिकेटर आप उसे कहे जी आप क्यों बल्ला उठा रहे हैं आप अपने साथ बंदा रख लें तो ये तो बेटा आप नहाते हो? आप नहाते हो? बंदा रख नाम ना पूछूं दुनिया को कैसे पता चलेगा तुम कौन हो? मैं डॉन हूँ. बेटा माइक करीब लिया मुंह के. हाँ अस्सलाम वालेकुम. अंदर ना घुसा लूं. हाँ घुसा लूं. अस्सलाम वालेकुम. इस्लाम के मुताबिक जो करना है करो. मेरा क्वेश्चन सर यासीन से है. नाम क्या आपका? मेरा नाम हमजा. हमजा क्या करते हो? मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ. अरे वेरी नाइस. अब सवाल पूछो. मेरा क्वेश्चन सर यासीन से है आपको. मेरा क्वेश्चन सर यासीन से है कि आपको क्या कहते हैं आपको गुस्सा भी नहीं आता? आपको गुस्सा भी नहीं आता जब आपको छक्का भी बैठ जाता तो आप हंसते रहते ही. ये क्या बात है? अगर तुम ये 50 रुपए वाली ओवर एक्टिंग ना करते सवाल तब भी पूरा था. यासिर भाई आप देखा ये गया है कि आप मुस्कुराते ही रहते हैं क्यों? ये नेचुरली है. अगर देखे तो अगर मैं बॉलिंग खराब भी हो रही है तो उस टाइम भी मतलब उस प्रेशर में नहीं आता. अपने जो प्रेशर है वो हंसी में तब्दील. मैं तो गलती ही कराऊंगा. चलो अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है भाई आपका? नौमान नाम है मेरा. क्या नौमान? नौमान क्या करते हो?
मैं SCCA कर रहा हूँ. वेरी गुड. सवाल लाए आप सही है. पूछ लो. मेरा सवाल यह है कि आप जियो पे होस्टिंग तो कर रहे हैं. हाँ. लेकिन होस्टिंग करने के जियो वाले को पैसे कितने दे रहे हैं? कि ये सब अजमल का काम है. अजमल का काम है ये. ना मालूम अफराद के नाम ना लो इधर. नहीं, इंडिया भी यही कह रहा है सब कुछ अजमल ने कराया. सब वाह वाह. इंडिया भी यही कह रहा है सब कुछ अजमल ने कराया. इधर आया. वाह, गहरा जो. नहीं बेटा, ये दो दो जवाब दो. आपने गलत एंगल पे सवाल पूछ लिया. सवाल मरियम से बनता था ये. नहीं मैं बेटा सही है, बस मिल जाता है बेटा. मैंने हिम्मत इनसे वो की भीख मांगी कि मुझे खुदा के वास्ते टीवी पे शायद शक्ल दिखा दें, तो बस अल्लाह के भरोसे सत्ता भी तो उतारना होता है जियो को. वो कर रहा हूँ मैं. खुश हो गए इस जवाब पे तुम? बेइज्जती करके. अगला सवाल उठाओ. माइक उठा लेते हो तुम? माइक गनीमत है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है पार्टनर? दाइम. दाइम? हाँ जी बिल्कुल. दाइम मतलब कायम रहने वाला. दाइम तो तुम कायम रख लेते. लेकिन दाइम ज्यादा प्यारा नाम था. दाइम ज्यादा प्यारा नाम है. ठीक है, तो तुम दाइम ये बताओ कि क्या करते हो? मैं फिलहाल तो अपना बिजनेस चला रहा हूँ. अभी इधर मतलब इधर बैठ के चला रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल. ऐसा ही है. थोड़ी देर पहले चैट ही कर रहा हूँ. किस चीज का बिजनेस? बेसिकली मेरा लव बर्ड्स का बिजनेस है. लव बर्ड्स? हाँ जी बिल्कुल. ऐसे डव्स, डव हो गए, पैरेट्स हो गए बेसिकली. लव बर्ड्स को कैरेट, सॉरी पैरेट और डव्स को लव बर्ड्स कहा जाता है. प्यारे लड़के कहते हैं आपस में कहते हैं. आप लोग को सवाल है? मेरा सवाल मरी मैम से है. पूछो. आपको एक महीना हो गया यहाँ पे शो करते हुए, आपने ताबिश भाई से क्या सीखा अभी तक? होस्टिंग कैसे नहीं करनी. इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा क्या है तुम्हारे? बेसिकली इनके पास कुछ सिखाने के लिए होता तो आप सीखती ना. नहीं, बिसाइड्स द पॉइंट. ताबिश बहुत खूबसूरती से बेइज्जती करते हैं कि अगले को पता भी नहीं चलता. ये टैलेंट जो है ना, ये मैंने थोड़ा सा अगले को पता नहीं चलता, नीमर को पता चल जाता है. चलो अगला सवाल. अगला सवाल क्या क्वेश्चन है आपसे? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है भाई? सर उमर नवाज. उमर भाई क्या करते हैं आप? मैं सर अकाउंटेंट हूँ स्पीरियर यूनिवर्सिटी में और मॉडलिंग करता हूँ आपकी तरह छोटे मोटे शोज पे. आपकी तरह मॉडलिंग भी करते हैं छोटे मोटे शो? छोटे मोटे शो. अल्लाह की कसम, आज तक ही सुनने को मिले जब से तुम आई हो ना, लोग छोटा मोटा शो कह रहे हैं. उमर आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपके पास फ्रेम नहीं बन रहा भाई. जी जी सर, आई एम स्टैंड. क्या मॉडलिंग करते हैं आप? जी छोटे. वेरी नाइस. छोटे कितनी छोटी होती है भाई मॉडलिंग? एक कदम बात खत्म हो जाती है. क्या छोटी? कार्टून नेटवर्क पे तो नहीं करते? किन चीजों की किन छोटी चीजों की कर रहे हो कि बता नहीं पा रहे? बस सर, जैसे आपसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि आप जियो पे कितने पैसे लेते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए, जैसे कि लाइक हुमायूं सईद, फाहद मुस्तफ़ा, तो जब आप सवाल करते हैं तो कभी आपको डर नहीं लगा कि अगला मेरे मुंह पे थप्पड़ ही ना मार दे, जैसे आपके मीम्स बनते हैं, जिस तरह आप सोशल मीडिया पे वायरल हैं, कभी डर नहीं लगा आपको? नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारने दूंगा, ऐसा तो नहीं करने दूंगा किसी को. लेकिन ऐसा है कि मतलब मैं जब मुश्किल सवाल पूछता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करता हूँ. अगर आपको तो मैं एक्सप्रेशन देखता रहता हूँ, अगर वो यूं ही होना शुरू होते ना, मैं मोड़ के ले आता हूँ. वहां तक जाते ही नहीं हूँ मैं. जगह पे होता तो बहुत डरता. नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है. पता है क्या, डीट होना एक स्पेशलिटी है, आ जाएगा. नहीं मैं फैन हूँ इनका. थैंक यू. क्या क्या कहा आपने? तो आप कहा तो मुंह पे कहो. मैं कह रही हूँ डीट होना एक स्पेशलिटी है. हाँ है. ठीक, आप भी होके देखो, शायद कुछ काम बन जाए. मेरा बन जाए. चलो अगला अगला. थैंक यू बेटा. अगला सवाल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है भाई? अब्दुल रहमान. माइक करीब रखेंगे अब्दुल भाई? कितना रखूं? और करीब. क्या करते हो अब्दुल रहमान? ICS सेकंड ईयर. ICS सेकंड ईयर को सवाल लाए हो जी. सुनील भाई, ये सवाल है कि काफी बड़ा फैन हूँ आपका, तो आप गाड़ियों का काफी अच्छा आप बताते हैं, रेट वगैरह बताते हैं, तो एक गाड़ी खरीदनी है मुझे, लेकिन बजट बहुत लो है उसका. कोई मशवरा दे? बजट कितना है? 50,000. सुनील भाई, इसको एक बार अपनी गोद में बिठा के सैर करा दो लाहौर. आपने मेरी सैर का बड़ा कम रेट लगाया वैसे. लेकिन वैसे अगर आप जाए ना, अक्सर पेट्रोल स्टेशन पे मिलती है वो गाड़ियाँ. हाँ, वो काफी आ जाएंगे 50,000. बेटा 50,000 में गाली मिल जाएगी, गाली का मुश्किल है. थैंक यू. अगला सवाल. हाँ मेरा सुनील भाई, आपसे क्वेश्चन है. भाईजान यार, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे सलाम कोई नहीं करता. तो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई. मैं को पागल ना. होस्टिंग में होस्ट मैं लगा हुआ यहाँ पे. सलाम करो. मतलब बहुत टाइम आ गया है पूरे शो में.
ताबिश ने मुझे भरपूर के मतलब इसकी वजह से कौन देखेगा शो, आज इसको सलाम के जवाब भी नहीं मिल रहे, ये टाइम आ गया। अच्छा तभी लाफ्टर नहीं आया। हाँ असला अभी आएगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा भाई? बिलाल। बिलाल क्या करते हो बिलाल? मैं BSCS कर रहा हूँ। BSCS कर रहा हूँ। क्या सवाल है तुम्हारे सुनील भाई के लिए? सुनील भाई ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, तो आपके माशाल्लाह काफ़ी लंबी स्टैंड था गाड़ियों की, तो आप इतनी महंगाई में पेट्रोल कैसे मैनेज कर लेते हैं, अफोर्ड कैसे कर लेते हैं? बड़ा सवाल, कैसे कर लेते, कहाँ से आ रहे हैं पैसे आपके पास? नहीं मैं आजकल वैसे काफ़ी जिसे कहते हैं ना आपको अपना बजट बना के राशनिंग करनी पड़ती है, तो अक्सर मैं गुलबर्ग में आपको पैदल भी नजर आऊँगा वॉक करते हुए। तो यस हर बंदे का अपना एक बजट है, आप उसके लिहाज से देख सकते हैं, बिकॉज अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनके हाथ में पेट्रोल का रेट है उन्होंने तो रोकना नहीं ना, आप पे रहम करना है, तो आप अपने आप पे खुद रहम करके अपने बजट को देख के अपनी जो एक्स्ट्रा आपने घूमना फिरना है वो कम करें, नेसेसिटीज तो आप कम नहीं कर सकते। वाह कार पूलिंग करें बेटा, ये मतलब कार पूलिंग है कि तीन चार लोग एक साथ चले जाएं, ठीक है? वैसे हर लड़का जिसके पास गाड़ी होती है वो कार पूलिंग ही कर रहा होता है भाई, सारे दोस्त मुफ्त में चटियां खा रहे होते हैं, ऐसा होता है ना, एक बंदा गाड़ी खरीदता है सारे दोस्त में जा रहे होते हैं, तो अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए, हालात ऐसे नहीं ना, किसको बिठा लिया। वैसे भी कार्बन फुटप्रिंट आपको बचाना चाहिए। अच्छा सुनील भाई आपके पास कितनी गाड़ी है? अच्छा बता दे, 50,000 वाली, काफी कलेक्शन है सुनील भाई के पास, बहुत गाड़ी है। नहीं मेरे पास जो अक्सर होती है ज्यादातर बीमार होती है, कोई किसी वर्कशॉप में तो किसी वर्कशॉप में, इसलिए गिन नहीं सकते। यार कितनी गाड़ियां सुनील भाई? नहीं गिनी। अरे भाई 50 गाड़ियां बोलो आप क्या उखाड़ लो, शोरूम है क्या आपका? लो ये स्टैंडर्ड सवाल। मैं सही करता हूं अहमद अली भट्ट का शो देख। मतलब अगर किसी के पास वो हॉबी के तौर पर पोस्ट के वो टिकट जमा कर रहा हो तो आप क्या बोलोगे, डाकाना है आपके पास? भाई वो गाड़ी कलेक्टर है यार, विंटेज लाफ्टर आ गया ना जी। नहीं छोड़ दो, बात खत्म हो गई। अगला सवाल, अगला आखिरी सवाल। हाँ बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो ये आवाज निकली पूरे क्राउड में सिर्फ एक बंदे की आवाज, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ताबिश। क्या करते हो? आईकॉम। आईकॉम देखो सवाल है बेटा, माइक दिया तो माइक दिया किस चीज के लिए दिया? मेरा आप सारों से ये सवाल है, अगर आपको मौका दिया जाए कि किसी को 10 मुक्के मारने हैं और आगे से वो कुछ ना ही कहेगा आपको, तो आप किस सेलिब्रिटी को मारेंगे? मैं वाइफ शायद सेलिब्रिटी हूँ जो वापस कुछ ना कहे बेटा, बाकी तो आपको पता है आजकल कैसे हैं, बताओ भाई। अभी मुझे ही मारोगे, मौका मिल रहा है। अपना वो है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा एक सेकंड बेटा, हूँ नहीं हूँ बोला हूँ अबे मैंने क्राउड से पूछा था यार। बस हो गया लेट्स जस्ट एंड इट राइट हियर। सुनील भाई आप किसको मारेंगे 10 घूसे मारने हो? यार वैसे तो किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन जिसको मारेंगे पता नहीं सेलिब्रिटी है भी कि नहीं, बता देता हूँ। APSL में काफी है, ये जो प्यारा PSL है, ये जो प्यारा गाड़ी PSL से चाहत का नाम लिया आपने। यासिर भाई आपको अगर 10 घूसे मारने का मौका मिले? मैं तो किसी को नहीं मारूंगा, किसी को भी नहीं, नहीं। कल जो आप बता रहे थे वो उनको भी नहीं मारेंगे? किसको? एकदम घबरा गए। मरियम तुम सच्ची बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले लाइफ में कोई ऐसा दुश्मन जिसको तुम 10 घूसे मारना चाहते हैं, ऐसे लोग? हाँ सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी नहीं है मैं लाइफ में, वक्त आ चुका है 500 की दौड़ खेलने का। आज थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, हम जो हमारे सर्वे वाले सवाल होते हैं वो माकर ने पूछेंगे, हम पहले खेलेंगे बजर राउंड। सुनील भाई बजर पे उंगलियां सबकी होनी चाहिए, क्या होस्ट की मर्जी, इसलिए उगाड़ लो जो खाना, होस्ट तो सही होती नहीं है होस्ट, ठीक है? अच्छा पहला सवाल सुनील भाई, जो आप नंबर गेन करेंगे वो आप जमा भी कर सकते हैं और हाथ के हाथ बांट भी सकते हैं, अगर आप जमा करेंगे तो आकर नहीं, आप जमा करो, आप जमा करो, काम आएंगे, ठीक है? बोली लगेगी एंड पे। पहला सवाल, हाँ पहला सवाल, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? ए साओ पोलो, चोंगचिंग, सिंकियांग या गेंजू? किसने बताया? यासिर भाई चोंगचिंग। चोंगचिंग इज द राइट आंसर। हमेशा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्टार्ट, स्टार्ट ऑप्शन बी बोलो। यासिर भाई आपको पता था चाइनीज,
30.2 मिलियन है। ये अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते यार, पढ़ने में दो मिनट लग जाते हैं। बेटा ब्रेल में भी दे दिया करो इनको साथ में ना। और चोंगचिंग तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, अगर कराची को भी ठीक तरीके से गिनते 3 करोड़ है तो गिनते नहीं। ऑप्शन बी नहीं बोला, नाम लिया। अगला सवाल पूछते हैं, चलो 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 क्लास अटेंशन। ओडीआई में सबसे पहले हैट्रिक करने वाले बॉलर का ताल्लुक किस मुल्क से था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या इंग्लैंड? ऑस्ट्रेलिया। गलत जवाब, पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द राइट आंसर। किसने की थी, किसने की थी? मैं तो नहीं था। नाम आदमी है उसके, जलालुद्दीन ने किया, किसने किया? जलालुद्दीन ने शायद। जलालुद्दीन ने, जलालुद्दीन, वेरी गुड। कस्टम्स से बॉलिंग कोच भी जलालुद्दीन रह चुके हैं, बल्कि सर्टिफाइड कोच भी हैं। अगला सवाल, अगला सवाल मरियम के फेवरेट, बताइए खाका किसका है? अरे यार बाबूजी किसका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, द ग्रेट अब्दुल कादिर। बड़ा देखो मरियम, मैं बात बताऊं, जो क्रिकेट देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, ये बहुत आइकॉनिक बॉलिंग स्टाइल था हमारे, बहुत सारे लेग स्पिनर्स ने बॉलिंग स्टाइल कॉपी किया, इंक्लूडिंग मुश्ताक अहमद। अगला सवाल खाका है, बताइए किसका है? बजा दिया लड़की ने, बजा दिया लड़की ने, घंटी बजा दी। जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड इज द राइट आंसर। अच्छा इस एक्टर का नाम बता के खत्म करो। डैनियल क्रेग। मरियम को एक्टर का नाम भी असली पता है यासिर भाई? नहीं, क्या नाम है? डैनियल क्रेग। डैनियल वही होगा जो भी है, वही है, जो भी है। डैनियल, 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 डैनियल ग्रे, डैनियल ग्रे। अगला सवाल, फोटोकॉपी की मशीन जो इंक डालती, जो जिसमें जो इंक डलती है वो गाय की हड्डियों से बनती है, यस और फॉल्स और ट्रू? फॉल्स। फॉल्स इज द राइट आंसर। मरियम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा डबल। गाय की हड्डियां किसने बनाया ये सवाल? हमने बनाया, क्या कर लोगी तुम? कर कह सकते। अगला सवाल मैथ का सवाल है। ओह माय गॉड। 7 × 7 × 37 = 2। सुनील भाई जल्दी से, 5 सेकंड दूंगा। 259 इज द राइट आंसर। डिग्री ओरिजिनल है सर, डिग्री ओरिजिनल है। ह्यूज अजल लम्स ग्रेड है वो, मान गए जी, समझे? सुनील भाई 63 × इस पे एकदम और होना चाहिए। चलो एक बार 3 × 4 भी बता सकते हैं। अब बता सकते। फ्रेंच फ्राइज किस मुल्क से ओरिजिनेट हुए हैं? बेल्जियम। बेल्जियम इज द राइट आंसर। वाह, इतना तो नाम बताता तो मेरी मां मुझे मार देती। वाह, क्यों आंटी का था बेल्जियम से? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट तो पढ़ाते रेस्टोरेंट बनाने से पहले, मतलब कुछ तो पता ही होता है ना, बेसिक्स। अच्छा आपने गेस कर रहे हैं कौन है? यासिर भाई कोई क्रिकेटर है ना ये? शाहिद अफरीदी। सही देन, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी इज द राइट आंसर। ओए बड़ा, आपने आंखों में आंखें डाल के देखा शाहिद भाई? नहीं, आंखें पहचान लेते हैं, एक पठान ही दूसरे पठान की आंखें पहचानता है। ठीक है, अगला सवाल बता रहे हैं आउट है या नॉट आउट, जल्दी देखिए। अरे यार, मरियम नफीस ने पहले बचाया यासिर, नॉट आउट। मरियम नफीस का नॉट आउट, यासिर भाई नॉट आउट। नॉट आउट दोनों ने कहा, नॉट आउट मरियम ने पहले कहा है, आउट ही निकला। अरे ये आप क्या कहते, कैच हो गया मरियम? नहीं मैंने कहा नॉट आउट। क्यों कहा आपने? बस पता नहीं कह दिया मैंने, तुक्का लगाया मरियम ने कहा नॉट आउट, मैंने आउट कहा सबसे तीसरे नंबर पे, नॉट आउट है मरियम जी। अभी अभी कैच हुआ था, कहते नॉट आउट, मैंने कहा किस चीज का कैच आउट कह रहे हो? आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल आपने बताना है ये बाउंड्री हुई या नहीं, दिखाओ। अरे वक्त आया है बैट्समैन देखने का, देखते हैं कि भाई कौन है। अरे भाई ओवरऑल देख रहे हैं, कंपाइलेशन है, इमाद वसीम। सुनील भाई आपकी इजाजत हो तो एक ब्रेक ले लूं। इजाजत, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हारना मनाया कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आना मनाए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं दाविश हाशमी, मेरे साथ मौजूद मरियम नफीस, यासिर शाह और सुनील सरफराज। बेदली से बोल रहे हैं, आपका नाम बेदली से बोला, बाकी सब दिल से बोले। अब सुन लो मेरी बात, सुन लिया करो मरियम, देखो डायलॉग के बीच में मत आया करो बार बार।
अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बजरों पे उंगलियां, बजरों बजरों पे, बजरों पे। मशहूर किताब दीवाने गालिब किसने लिखी है? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब, सुनिए चीटिंग करके पूरा नाम पूछ लें, पूरा नाम पूछ लें। अच्छा पूरा नाम ताबिश अली गालिब, मिस्टर ताबिश अली गालिब, मिस्टर मिर्ज़ा गालिब पूरा नाम है। मिर्ज़ा गालिब तो पूरा नाम नहीं बताऊंगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं मैंने मेरा पॉइंट है। हाँ सुन भाई आपका, हाँ सुनील भाई को दे। अच्छा सुनो सही, तो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुना दो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तुम्हें लाइफ में कोई शेर आता? I'm not a शेर और शायरी पर्सन। यासिर भाई आप उस दिन मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुना रहे थे, अगर दोबारा वो क्या था? गोरे रंग में, गोरे रंग में मैं। ठीक है सुना दो ना, नाम नहीं है मिर्ज़ा गालिब का, ताबिश अली गालिब कह दिया, मोहम्मद अली गालिब भाई। अरे यार अच्छा अच्छा चलो, बहुत मिस्टर एंड मिसेस गालिब, डन। गालिब इंडिया के किस शहर में रहते थे? बस ये लखनऊ। वाह लग, अबे नहीं भाई नहीं यार क्या धक्का मार रहा है, अबे दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में, दिल्ली में रहते थे। ठीक है अच्छा चलो, एक बहुत आसान सवाल। गालिब जो थे, गालिब, गालिब फिल्म देखी आपने? आप देख ही नहीं सकती क्योंकि गालिब फिल्म थी नहीं, नहीं, नहीं। तो सीरीज थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनील भाई अच्छा बताओ, ये सवाल जो आखिरी मतलब गालिब में और नहीं बसूंगा, ये सवाल गालिब जो थे वो किस मुगल एम्परर के जमाने के शायर? बस ये बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऑप्शन दे देता हूँ, औरंगजेब, अकबर या बहादुर शाह जफर। अकबर, अकबर के जमाने के नहीं थे भाई, अकबर के जमाने कहाँ थे? मुझे क्या पता, तो पता होना चाहिए गालिब के बारे में, मुझे गालिब के बारे में पता होना चाहिए। तू अच्छा सुनील भाई आपके पास 30 नंबर है। अच्छा किसके जमाने के सही जवाब? दो सही हैं। अरे दीवाने सवाल नहीं था, ये सवाल नहीं था। आपके पास 30 नंबर है, ये बताइए किसको देंगे? सुनील भाई अच्छा आप गाड़ी का सवाल पूछूंगा मैं, आप सवाल पूछ जो जवाब दे दे उसके, सवाल पूछे बजर पे उंगली रख लो, बजर पे। आप दोनों के पास गाड़ी छोड़ के जाता हूँ जो की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसको ऑयल कब चेंज करेंगे? उसका आगे चेंज करने, मरियम ने पहले, मरियम ने नहीं चेंज होगा उसको। बिल्कुल सही जवाब मरियम भाई, 30 नंबर आपने हासिल किए, वाह वाह। तो यार इसमें मेरा कसूर है, बसर ही नहीं बजे में गया, आपने बजाया नहीं था। चलो मरियम हड़ा उड़ी मत मचाओ भाई, आ जाओ वापस। 500 की दौड़ के दो सवाल बाकी है, परसेंटेज बेस सर्वे हुए सुनील भाई, इसमें आप नहीं खेले, ये दोनों खेल रहे हैं, मगर मैं आपसे पूछता रहा हूँ। पहला सवाल बहुत करीब है दिल के आपके सबके, कितने फीसद मर्द अपने से बड़ी उम्र की खातून से शादी करना चाहते हैं? सारे, सबको अपनी टीचरों से शादी करनी है। बेटा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा ना भाई, आप चाहते हो बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना? सुनील भाई बड़ी उम्र की लड़की से कितने लोग आपको लगता है शादी करना चाहते हैं? परसेंटेज वाइज हाँ लेस देन 10 होगा, लेस देन 10। यासिर भाई आप शादी करना चाहते हैं? शादी मैंने की हुई है। बड़ी उम्र की लड़की को कम होगी जी, परसेंटेज पूछ रहा हूँ, परसेंटेज होगी 25%। मरियम मुंह नहीं मनाओ भाई, 50 50। मरियम को 50 पे लॉक कर दी, 50 50। आधे लोग स्कूल में बहुत आदमी है जो अपने, अच्छा पता है क्या, ये लड़के हमारे सामने जो लड़के बैठे हुए हैं ना इस वक्त, ये उस हालत में कि जो मिल जाए। नहीं मैं आपको बता रही हूँ बहुत ऊपर गई, क्या 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 है नहीं यार, ये लड़के जो यहाँ बैठे हुए हैं ये चाहते हैं जो मिल जाए, सांस आ रही है बस, बस दिखाओ आवाम की राय, दिखाओ बड़ा क्या है आवाम। नहीं आई थिंक बहुत होंगे क्योंकि हर लड़के को अपनी टीचर से शादी करनी होती है। 39% मैं जितने लड़कों को जानती हूँ उन सबको अपनी टीचर से शादी करनी। आप सही लड़कों, सही लड़कों में उठा बैठा करो तुम, बस अब क्या करें, सही लड़कों, शरीफ लड़कों। हर बार ऐसी, मैं जिन लड़कों में बैठती हूँ मुंह पे बात बात से फायरिंग कर देते हैं, मैं जिन लड़कों में बैठती हूँ डाके डालते हैं, मैं जिन लड़कों में बैठती हूँ जल्दी शादी। तुम क्यों बैठती है ऐसे लड़कों में भाई? अगला सवाल, कितने फीसद लोग चालान से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कुछ चाय पानी ऑफर कर देते हैं? मोर देन 70%। सुन भाई 70% कह रहे हैं, सुन मैंने कहा 70%। हाँ यासिर भाई आप देते हो चाय पानी? मैं तो नहीं देता। आप नहीं देते, आपका ड्राइवर दे देता है, सेल्फी खिंचवा देते हैं वो छोड़ देते। वाह मरियम ये ठीक है, सेल्फी से चालान बच जाता है। मरियम आप देती है चाय पानी? मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ। आपने कभी चालान ही नहीं हुआ आपका? अगर हुआ तो चाय पानी बिलीव है आपको? गाड़ी नहीं चलाती ठीक है, परसेंटेज की गाड़ी चलाती हूँ मैं। परसेंटेज बताओ ना, आप बताए ना पहले, मैंने बताया ना। हाँ बता दो, बता दो। और 75% लोग चाय पानी बिलीव करते हैं। कॉपी पेस्ट हो गया ना? हाँ मैंने कहा था 75% कहा था, 76%
नहीं, ये दोनों कॉपी करिए। हाँ, बोलो मरियम। 74 कर लो। नहीं, 74 इन्होंने। 76 कर मैंने। क्यों आपने मेरे से आगे पीछे? मैंने अपने वो किया, खुद अपने। 60। मरियम कह रही है 60% अब आम की राय आने वाली है, बता रहा हूँ उसका एहतराम। 55% मरियम, वेल डन। ये तो मुझे बाकी यकीन नहीं आ रहा। सुनील भाई, एक बात बताइए, आप क्योंकि ताल्लुकात आपके गाड़ियों से हैं और आप ट्रैफिक में खास नजर रखते हैं, ये बताइए कि अगर हमें मुल्क से चाय पानी ट्रैफिक पुलिस से खत्म करनी है तो क्या करना होगा? उनको पता ही नहीं है, 70% उन्होंने बोला है, उनका तो गलत आया। सवाल अलग है बिल्कुल। सुनील भाई, रिश्वत कैसे खत्म की जाए चाय ट्रैफिक की? एटलीस्ट ये रिश्वत जो अभी आपने सवाल पूछा उसमें लोग देते कि नहीं देते, अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है कि वो लेते कि नहीं लेते, ये एक परसेप्शन जरूर बनी हुई है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ और मेरा ख्याल है जितनी ड्राइव मैंने की मेरे से आए थे किसी ने डिमांड नहीं की। सो इट्स मोर ऑफ अ परसेप्शन गेम, एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पुलिस एंड सिटीजन, वो कम होना चाहिए। आई डोंट थिंक हर जगह बुरे अच्छे लोग होते हैं, बट अगर आप मेजोरिटी में देखें तो अच्छे लोग होंगे। रिफॉर्म्स भी, जितने ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा कम है, उनके घर के वसाइल बहुत ज्यादा। बात करूंगा तुमसे इस पे आगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है। मोरालिटी इज नॉट रिलेटेड टू योर इनकम, आई थिंक। ये तो अगर आप कहेंगे इसका मतलब ये कि जितने लोग करप्ट हैं उनकी इनकम कम होती है इसलिए। ब्रेक में आप लोग बहस कर लेना, पढ़ी लिखी बात है, आवाम सुन रही, टाइम जाया उनका। मैंने वापस आएगा, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। वेलकम बैक टू हारना मना है। हाँ, आज हमारे 500 की दौड़ हमने खेला, देखते हैं कौन है आज का विनर। दिखाइए भाई कौन है आज का विनर। वाह, 334 नंबर लेकर हसीनो जमील मरियम नफी। दूसरों की इमदाद पे जिंदा मरियम नफीस। टोटल स्कोर, टोटल स्कोर दिखाइए। मेरा स्कोर भी दिखा ना आज का। टोटल स्कोर दिखाओ बेटा। क्या हो रही है? ओए, अभी भी 300 पॉइंट्स की स्कोर है आपका। 315 स्कोर है, बड़ा क्लोज था मरियम के। 315 आपका था, 334 आपका है। अभी भी 300 पॉइंट्स की लीड है मरियम। इसी तरह तुम चलती रही, मेरे साथ अच्छी चलती रही तो तुम जीत जाओगे। ठीक। अब सुनील भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक तेज गेम खेला जाए। गेम का नाम है क्विको। सवाल पूछूंगा, सिर्फ यस और नो में जवाब देने को, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अगर अजीम होस्ट आपसे पूछे कि हाँ भाई एक्सप्लेन करें, तब कीजिएगा, वरना यस और नो। ठीक है, पहला सवाल, खाना छोड़ दूंगा मगर चाय नहीं छोड़ूंगा, यस और नो? यस। 24 घंटे स्ट्रेट रहकर, नहीं, 24 घंटे स्ट्रेट गाड़ी चला सकता हूं, यस। वाह। लड़कियों से तस्वीर खिंचवाने को मना नहीं कर सकता, नो? कर सकता मना, कर सकते। ठीक, देखा सख्ती देख रही हो आप। नई चीजों से ज्यादा पुरानी चीजें पसंद है, यस। वाह। हवाई जहाज के बजाय घड़ा गाड़ी में बैठना पसंद करूंगा, यस। यस, जहाज में नहीं बैठना चाहते हो? नहीं बैठना चाहते, उनकी अपनी मर्जी, बंदा नहीं जहाज में बैठना चाहता। फोबिया है क्या आपको? डर लगता है, देखा, बढ़ना हो ही नहीं सकता। अनलेस यू हैव अ फोबिया यू वुडंट वांट टू। वो जाते ही नहीं ना कहीं, वो लाहौर में रहते। चलो अगला सवाल, गाड़ी का बेगम से ज्यादा ख्याल रखता हूँ, यस। व्हाट, काफी बार सोचा कि अपना नाम बदल लूं, यस और नो? नो। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है सुनील भाई, क्या FBR को पता है कि आपकी मेजॉरिटी गाड़ियों में ड्यूटी नहीं पे हुई थी? नो। FBR वाले भाई हो? FBR का इससे कोई ताल्लुक नहीं है वैसे। अच्छा, किस taxation का है? किसका है? Taxation. किसके पास है taxation? मतलब खाली FBR के पास tax, है? किसके पास? जी बताओ ना, जब तुमने उन्हें कही, अब बीच में आई हो बेटा तो बताओ। बताओ ना। बेटा अपना मीम बनाने वाले लड़कों गिर गया, स्पॉन्सर गिर गया भाई, ये इंटेंशनल था। मीम बनाने वाले लड़कों मीम बनाओ बेटा, टैक्स का FBR से कोई ताल्लुक नहीं है, किससे है भाई? अरे यार, अरे चलो FBR का पूरा मतलब बताओ। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। शाबाश, शुक्र अल्लाह का, इज्जत बच गई। अगला सवाल, अच्छा,
कार कंपनी से अच्छा रिव्यू बनाने के बहुत पैसे लेते हो? नो नो, बिल्कुल भी नहीं लेते हो। मुफ्त में करते हो सुनील भाई, गाड़ियां तो नहीं दे देते हो फ्री में आपको? नहीं नहीं, कोई फ्री में, इतने प्यारे नहीं, फ्री में गाड़ियां देते। सुनील भाई ने बहुत अच्छा खेला, वेरी गुड, ताली बजाइए सुनील भाई के लिए। किसी बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा वैसे आपने, किसी बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। मेरी मर्जी, मेरे दोस्त है, मेरा दोस्त, मेरी मर्जी। खबरती रजा तुक्का 11 का, आप तक का स्कोर देखेंगे, तुक्का 11 का स्कोर देखो बेटा शाबाश। ये तो आप लोग नहीं जीते, हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं आसिफ भाई। 170 माइनस, वेरी गुड, वेरी वेल। कितने मैचेस रह गए हैं? मैचेस कितने रह गए? अब कल कोई मैच नहीं है बस, बट जनरली कितने रह गए? 4-5-6 रह गए बस। हां, जितने दिन रह गए उतने मैच रह गए। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ है कि आज शो का इख्तिताम कर दिया जाए। मेरे साथ मौजूद थे द ग्रेट सुनील मंच, एक बेहतरीन ऑडियंस और यासिर शाह और मनीम रफीज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।